पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड में, नेपाल में और इस क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में अतिवृष्टि के कारण नदियों में काफी जल प्रवाह हुआ है और इसके कारण यहां पर काफी बड़े पैमाने पर जल प्लावन की स्थिति और बाढ़ से एक समस्या खड़ी हुई है। जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ इससे पहले नहीं देखी जाती थी। इससे पहले बाढ़ अगस्त में 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हम लोगों को इस प्रकार की बाढ़ से जूझना पड़ रहा है। इस बाढ़ से प्रदेश के 12 जनपद प्रभावित हो गए हैं। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर जैसे अन्य जनपद, इधर सीतापुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बलिया, ये सभी जनपद, लगभग 12 जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे पहले मेरी बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया कि बाढ़ बचाव के सभी उपाय समय पे पूरे हों और उस पर किया भी गया, लेकिन चुनाव लंबा चलने के कारण हो सकता उसमें कहीं कोई कोताही बचती गई हो। लेकिन आपने देखा होगा जहां पर शारदा नदी में बाढ़ बचाव के कार्य किए गए हैं और बहुत मजबूत और पुख्ता करने का प्रयास हुआ है। अतिवृष्टि के कारण ये व्यापक रूप से जल प्लावन की स्थिति देखने को मिली है। और जब हम पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में यहां पर शारदा नदी के कारण, देवहा नदी के कारण, इन सभी में काफी बड़े पैमाने पर यह चीजें देखने को मिली, जिनमें सदर तहसील के 16 गांव, बीसलपुर तहसील के 33 गांव, पूरनपुर तहसील के 60 गांव, कलीनगर तहसील के 20 गांव और अमरिया तहसील के 23 गांव तक कृषि आबादी भी और कृषि भी इसके कारण प्रभावित हुई है। हम लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में कहा है, पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत के कार्य तत्काल प्रारंभ करने चाहिए। सबसे पहले प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करना। पीलीभीत में ही 222 गांव, 5 तहसीलों के आबादी, उसमें आबादी और कृषि की जो फसल है वह उससे प्रभावित हुई है। ज्यादा प्रभावित 76,000 की आबादी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके लिए नौकाएं लगाई गई हैं, मोटर बोट लगाई गई हैं, खाद्यान्न के पैकेट और लंच पैकेट बनाने के आदेश दिए गए हैं। 3 जनहानि भी हुई है, 13 पशुहानि भी हुई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी उन्हें आदेशित किया गया है। बाढ़ बचाव के लिए 261 शरणालय, 46 बाढ़ चौकियों का गठन करने के साथ ही अन्य उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें एनडीआरएफ की 1 टीम, एसडीआरएफ की 2 टीम, पीएसी और एसएसबी को भी बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। यहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए निर्देश दिए हैं, जैसे
हर बाढ़ पीड़ित को जो गांव मैरुंड हो चुके हैं, जहां जल जगया है, वहां पर जहां घरों के अंदर पानी घुस गया है, वहां पर उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जहां पर लोग आए भोजन वगैरह उनको बिना भेदभाव के भोजन की सुविधा प्राप्त हो सके। जो पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो अलग से भोजन बनाना चाहते हैं, उनके लिए 2 पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन, 20 लीटर का पानी के लिए 1 जैरकिन और तिरपाल, ये उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और द्वितीय पैकेट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जहां पे ईंधन की कमी है, वहां पर केरोसिन भी उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, स्वयं केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी भी यहां पर रह करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा में लगेंगे। जनहानि पर तत्काल प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को हम लोगों ने निर्देशित किया है। पशु हानि पर भी तत्काल रिपोर्ट लगा करके उस परिवार को 24 घंटे के अंदर आर्थिक सहायता मिल जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां फसल खराब हुई है, तत्काल सर्वे करा करके उनके खातों में हम पैसा उपलब्ध करवा दें, तत्काल पैसा उस परिवार को उपलब्ध हो जाए, जिससे वह फिर से अपनी नई फसल को लगाने की तैयारी कर सके। और जहां पे जल जमाव ज्यादा है, उस जल जमाव से बचाव के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर लग करके जनता जनार्दन की सेवा करे। आज इसीलिए मैं स्वयं जल शक्ति मंत्री को लेकर के, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी को लेकर के इन सभी बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। पोरनपुर और पीलीभीत से पानी निकल चुका है, क्योंकि शारदा नदी का पानी काफी नीचे जा चुका है, लेकिन बीसलपुर की तरफ अभी पानी काफी ज्यादा है। मैं बीसलपुर की तरफ से भी होके आया हूं, वहां पानी ज्यादा लगा हुआ है, और वहां पर भी बचाव और राहत के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन को निर्देशित किया है। आज के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप लोग भी जो जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर ग्राम पंचायतें बड़ी नौकाओं की व्यवस्था करके रखें, पैसा सरकार उपलब्ध कराएगी, जिला प्रशासन से बातचीत करके आप पहले से व्यवस्था करवा लें, प्रशासन उसमें सहयोग करेगा, जिससे राहत और बचाव के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। और इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। मुझे 2-3 चीजें यहाँ पे और कहनी थी। एक, जहां पर नदियां काफी उथली हो चुकी हैं, वहां पर नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करने के लिए भी मैंने विभाग के मंत्री से कहा है कि वहां नदी की धारा ऐसी मोड़ी जाए जिससे खेत और लोगों की जमीन न कटे। दूसरा, जिन लोगों की जमीन नदी में विलीन हो गई है, उनको जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए अभी से चिन्हित करने की आवश्यकता है, जिससे उन लोगों को सहायता मिल सके। तीसरा, यहां पर बंगाल से आए हुए तमाम परिवार रह रहे हैं, और ये लोग पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके उनको नागरिकता देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि इन लोगों को तत्काल, जो लोग रह रहे हैं
उनको इस एक्ट के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करते हुए मकान और जमीन के पट्टे जो भी उपलब्ध करवाने, ये सभी लोगों को उपलब्ध होने चाहिए, जिससे और उनको सर्टिफिकेट भी जारी होने चाहिए, जिससे उनको एक एहसास हो सके कि वे भी अब भारत के नागरिक हैं। क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग हुए हैं जो 1971 में बांग्लादेश से जिन्हें सुरक्षित निकाल करके इन क्षेत्रों में बसाया गया था। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने अभी लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और आज वे आपके सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, जंगल के कारण, टाइगर के कारण, तेंदुए के कारण जनहानि की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो खेत जंगल के पास हैं, वहां पे हमने सोलर फेंसिंग के लिए पैसा स्वीकृत किया है। प्रशासन वन विभाग के साथ मिलकर के उन खेतों को जंगल की ओर से अगर फेंसिंग कर देंगे तो जंगली जानवर उनके खेतों में भी नहीं आएंगे और टाइगर आदि का भय भी वहां पर लगभग समाप्त हो जाएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रभावित परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, आपके लिए किसी भी वक्त चीज की कमी नहीं होने देगी। ये आपदा है, आपदा से जूझने के साथ साथ हम लोग हर प्रकार का हर संभव मदद आपको प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।